हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो पिछली क्लास में हमने दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे यहाँ तीसरी तरह की रिएक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर देना, यानी अपनी जगह से हटा देना। तो ये क्या रिएक्शंस हैं? ये हैं रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। तो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव की अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी रिएक्टिविटी बराबर नहीं होती। कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कोई एलिमेंट कम रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि वो एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट्स के साथ में ईजिली रेडिली बॉन्ड बनाता है, रेडिली उनके साथ में बॉन्डिंग करता है। लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में उतना रेडिली उतना ईजिली बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो क्योंकि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो हमने इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर इनको एक सीरीज में, कुछ एलिमेंट्स को यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एक सीरीज में यहाँ पर हमने इनको लगा रखा है। इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है? जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो ऊपर है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोटेशियम है ये अपने नीचे लिखे हुए सारे एलिमेंट्स से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम की अगर हम बात करें तो वो अपने नीचे लिखे हुए सारे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन जो इसके ऊपर लिखा है एलिमेंट पोटेशियम, उससे ये सोडियम कम रिएक्टिव है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो इस सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले सारे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, सपोज कीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। ये ए और बी असली में कोई एलिमेंट के सिंबल नहीं है, ये हमने बस ऐसे ही ए बी एक्स वाई जेड आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे हमने माना हुआ है। तो ए बी एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ए से और बी से, और हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं एक और एलिमेंट से जिसका नाम हमने दे दिया है सी, ठीक है? ये सी फुट कार्बन नहीं है, ये सी कोई भी एक एलिमेंट है, हम जस्ट उसको बस सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सी ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा? अब अगर सी ए से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हमें पता है सी बी के साथ में रेडिली बॉन्ड बनाएगा, सी बी के साथ में जल्दी से कंबाइन होगा, रेडिली कंबाइन होगा, जबकि ए बी के साथ में उतना रेडिली बॉन्ड नहीं बना रहा है। बना तो हुआ है लेकिन वो उतना रेडिली नहीं बना रहा है जितना सी बी के साथ में बनाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, ये सी इस ए को अपनी जगह से हटा देगा और इसकी जगह वो खुद बी के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, खुद बी के साथ में वो अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा सी बी। इस सी ने ए को हटा दिया और उसकी जगह इसने खुद ले ली, ए को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली, और ये ए हो जाएगा अलग, ठीक है? तो ये है एक जनरल फॉर्म हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। कब होगा ये? जब सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। अगर सी मोर रिएक्टिव है किससे? ए से,
तब ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। वो क्या करेगा, ए को, ए बी में से ए को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह वो खुद ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेकर देखते हैं। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपने लिया एल्यूमिनियम, सॉलिड एल्यूमिनियम लिया आपने, एल्यूमिनियम मेटल लिया, और उसको आपने डाल दिया जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर हमने बना रखी है जिंक सल्फेट की, उसमें आपने इसको ऐड कर दिया। तो क्या होगा, अब आपको रिएक्टिविटी में सीरीज में देखना पड़ेगा कि क्या जिंक, क्या ये एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जिंक को डिस्प्लेस करके इसकी जगह खुद आकर सल्फेट के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। अगर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं एल्यूमिनियम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ और जिंक दिखाई दे रहा है उसके नीचे। तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले से, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी वो जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। तो होगा क्या, जिंक की जगह आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो ये 2 आएगा एल्यूमिनियम के साथ में और सल्फेट के साथ में आएगा एल्यूमिनियम का 3, बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन इसकी। और साथ में ये जो जिंक था, जिंक मेटल, ये अलग हो जाएगा। तो सॉलिड जिंक हमें अलग से यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये क्या है, ये है जिंक सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन। ये तो हमारे पास ओरिजिनली थी, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे, बना क्या जिंक मेटल अलग हो गया और यहाँ पर हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास बन गई। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखें। मान लीजिए आपने लिया है कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन आपने ली है और इसमें आप ऐड कर देते हैं मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, तो क्या कोई रिएक्शन होगी, क्या ये मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, उसके लिए आपको फिर से कंसल्ट करना पड़ेगा इस रिएक्टिविटी सीरीज को। तो इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और कॉपर कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉपर तो बहुत नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अब सल्फेट के साथ में ये बॉन्डिंग बना लेगा, कॉपर को अलग कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, MgSO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन और साथ में कॉपर हो जाएगा अलग। ठीक है, तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन यहाँ फॉर्म हो गई। ओरिजिनली हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली थी और उसमें हमने मैग्नीशियम मेटल ऐड किया था। एक और एग्जाम्पल इसका लेकर देखते हैं। सपोज कीजिए हमने इसका उल्टा कर दिया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की हमने एक्वस सॉल्यूशन ली और उसमें हमने ऐड कर दिया कॉपर मेटल। अब क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो हमें देखना पड़ेगा कॉपर कहाँ है और मैग्नीशियम कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में। अभी हमने पीछे भी देखा था मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर मैग्नीशियम से नीचे है। कॉपर मैग्नीशियम से नीचे है का मतलब क्या है, कॉपर मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। अब क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है तो कॉपर मैग्नीशियम को उसकी कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, क्योंकि जो कॉपर है वो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, उसके कंपाउंड से उसे हटाकर उसकी जगह खुद वो ले रहा है। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल में रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन, कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी अगर यहाँ पर करके देखें, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली
और टेस्ट ट्यूब में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कलर से बना लेते हैं, बल्कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू। तो ये हमने क्या भरा हुआ है, यहाँ हमने कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन भरी हुई है, जो कि कलर में कैसी होती है, ब्लू होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे एक आयरन नेल। तो हमने इसमें एक आयरन नेल डाल दी, आयरन नेल यानी कील डाल दी। तो ये क्या डाल दिया हमने इसमें, आयरन नेल। कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रे। थोड़ी देर के लिए हमने इसे रखकर छोड़ दिया। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी, इसका कलर हो जाएगा चेंज। यहाँ पर ये जो कलर आपको पहले ब्लू दिखाई दे रहा था, अब ये कलर हो जाएगा यहाँ पर लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन कलर की यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगी। वो सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, वो सॉल्यूशन होगी अब फेरस सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो आपने यहाँ आयरन नेल डाली थी, ये जो आयरन नेल डाली थी उस पर आप देखेंगे कि एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट उसके ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। वो ब्राउन कलर का मटेरियल एक्चुअल में क्या है, वो है कॉपर मेटल। कॉपर मेटल जिसका कलर कैसा है, जिसका कलर है ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो, अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे लैब में, तो आपको यहाँ दो ऑब्जर्वेशंस दिखाई देंगी। टू ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या? पहली ऑब्जर्वेशन आपको ये दिखाई दी कि जो कलर है सॉल्यूशन का, वो चेंज हो जाएगा। कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगा, किस कलर से किस कलर में चेंज हो जाएगा, फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। पहले ब्लू कलर की सॉल्यूशन थी आपके पास, अब वो चेंज हो जाएगी लाइट ग्रीन कलर की सॉल्यूशन में। दूसरा जो आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिलेगा, वो ये मिलेगा कि जो आयरन नेल थी उस पर एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, अ ब्राउन सब्सटेंस, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस गेट्स डिपॉजिटेड ऑन ऑन द आयरन नेल। आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस एक्चुअल में क्या है, ये है कॉपर मेटल। तो ऐसा क्यों हुआ, हमें ये ऑब्जर्वेशंस क्यों मिली, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, जब हमने कॉपर सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि ब्लू कलर की थी, उसमें ऐड किया आयरन, आयरन ऐड किया उसमें, आयरन नेल डाली, तो अब क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये है आयरन और कॉपर कहाँ है, ये रहा नीचे, तो आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से बहुत ऊपर है, यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, FeSO4 एक्वस सोल्यूशन, आयरन सल्फेट की सोल्यूशन वो यहाँ पर बना देगा, और साथ में ये कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। तो यही वो कॉपर मेटल है ब्राउन कलर का, जो नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया था। और ये जो आयरन सल्फेट की नई सॉल्यूशन अब यहाँ पर बन गई, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। और ये जो ओरिजिनल हमारे पास कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी, इसका कलर होता है ब्लू। तो हम क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन में चेंज हो गया है। और दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि जो आयरन नेल थी उसके ऊपर एक ब्राउन सब्सटेंस यानी कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर हम आते हैं, जो हमारी है फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पर सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऐसी रिएक्शंस हैं इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसमें हमें क्या चाहिए, ऐसे दो कंपाउंड्स चाहिए जो कि आयोनिक हों।
आयनिक कंपाउंड्स के बीच में ये रिएक्शन होगी। आयनिक कंपाउंड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जो आयन्स के बने हुए हैं, जैसे NaCl। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं उसे, वही है सोडियम क्लोराइड। ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है सोडियम आयन्स का और क्लोराइड आयन्स का। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो सपोज कीजिए हमारे पास दो आयोनिक कंपाउंड है, एक है ए बी और एक है सी डी, दोनों आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, यहाँ पर भी ए जो है पॉजिटिव आयन यानी कैटायन है और डी नेगेटिव आयन यानी एनायन है। तो इन दो तरह के आयन से ये आयोनिक कंपाउंड बने हुए हैं। जब आप इनको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो ये जो ए है, अब बी की जगह ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा? ये डी के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा ए डी। और साथ ही साथ ये जो सी है, ये अब डी के बजाय किसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा? ये कर लेगा बी के साथ में। तो अब हमें यहाँ पर नया कंपाउंड क्या मिल जाएगा? सी बी। तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स यहाँ पर हो गए। पहले आयन्स क्या थे? ए प्लस था, बी माइनस था, ये कैटायन था, एनायन था, और यहाँ पर ये कैटायन था और ये एनायन था। हुआ क्या? इसने इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली और इसने इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली, तो हमें नया कंपाउंड मिला, दो नए कंपाउंड मिले, ए डी और सी बी। इस ऐसी रिएक्शंस को जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, जिनकी वजह से नए कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें ही हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों? हम ऐसा भी सोच सकते हैं इसमें कि ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इसको सोच सकते हैं, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारे पास है एक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। क्या नाम है इसका? सिल्वर नाइट्रेट। उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में? इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaCl के साथ। सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ली हुई है। ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं खाने में, वही नमक। तो यहाँ पर क्या होगा? आप देखोगे AgNO3 ये किस किस का बना हुआ है? Ag प्लस कैटायन और NO3 ये है इसका एनायन। और NaCl ये किसका बना है? Na प्लस ये कैटायन है और Cl नेगेटिव ये है एनायन। होगा क्या? एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए? अब ये Ag प्लस जाकर बॉन्डिंग बना लेगा क्लोराइड आयन के साथ और सोडियम आयन बॉन्डिंग बना लेगा नाइट्रेट आयन के साथ। तो क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा AgCl। अब ये जो AgCl है ये एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वाइट कलर का इसका प्रेसिपिटेट बनता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ में दूसरा क्या बनेगा? NaNO3। NaNO3 की एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगी। NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट की एक्वस सॉल्यूशन आपको बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है? वाइट प्रेसिपिटेट किसका बना है? ये बना है सिल्वर क्लोराइड का। और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो आपने लिए है बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और साथ में हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। अब ये जो बेरियम क्लोराइड है ये भी आयनिक कंपाउंड है, किसका बना है? बेरियम आयन। ये क्या है? इसका कैटायन, पॉजिटिव आयन और दो क्लोराइड आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये एनायन है, एनायन पार्ट है इसका। और ऐसे ये सोडियम सल्फेट ये भी किसका बना हुआ है? सोडियम आयन्स दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि Na2 है दो, तो दो सोडियम आयन है इसके एक मॉलिक्यूल में। और सल्फेट, सल्फेट ये सल्फेट एनायन इसमें प्रेजेंट है। होगा क्या? यहाँ पर भी क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो बेरियम जाकर बॉन्डिंग कर लेगा सल्फेट के साथ में और बन जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ये भी क्या है? एक इनसोल्यूबल सॉलिड है और इसका भी वाइट कलर का ये होता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और साथ में बन जाएगा क्या? NaCl। दो Na और दो Cl कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ट्वाइस NaCl, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया? यहाँ हमने लिया था बेरियम क्लोराइड और उसको हम रिएक्ट करा रहे थे किसके साथ?
सोडियम सल्फेट के साथ, ये दोनों ही कैसे कंपाउंड्स थे, ये दोनों ही आयोनिक कंपाउंड्स थे, आयन्स के बने हुए थे। तो जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया और दो नए कंपाउंड्स बनकर आए। एक तो बना बेरियम सल्फेट जो कि इनसोल्यूबल कंपाउंड है, तो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें ये मिल गया, और दूसरा बन गया सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये सोल्यूबल है तो इसकी हमें मिली एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी पांचवी तरह की रिएक्शंस, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट यानी कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसमें फॉर्म हो रहा है। इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर कुछ बनता है उसे ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ऐसी सारी रिएक्शंस जिनमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये ऊपर वाली जो आपको दोनों रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों में हमने क्या देखा है, यहाँ एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था सिल्वर क्लोराइड का, यहाँ भी एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था बेरियम सल्फेट का। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के भी एग्जाम्पल्स हैं। तो अबव टू जो हमने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स हैं। साथ में अगर और एग्जाम्पल हम इसका देखना चाहें तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी हमने एक ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी पिछली क्लास में जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। आप याद करोगे अगर, तो वाइट वॉशिंग में हम उस रिएक्शन को यूज़ करते थे। क्या होता था यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन हमने ली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन जिसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम भी जिसे हम कहते हैं। और हमने इसको, ये क्या कैसे बनी थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वा सोल्यूशन, हमने क्या किया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स किया था और वाटर में। अब याद आया होगा आपको कुछ, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ये पढ़ा था, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्वा सोल्यूशन फॉर्म होगी। और इसी एक्वा सोल्यूशन को जब हम दीवारों पर अपने लगा देते हैं तो ये दीवारों पर लगे लगे एटमोस्फेरिक CO2 के साथ में रिएक्ट करती है और बनता है एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट, और साथ में बनता है वाटर H2O। तो इस रिएक्शन में क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट क्या, किसी भी कलर का अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो स्लेक लाइम जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट, और क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इसलिए ये है एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ऐसा देख लें, क्योंकि यहाँ हर जगह क्या बन रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिपिटेट हमेशा वाइट कलर का ही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेसिपिटेट और कोई भी कलर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो जैसे अगर आप लेड नाइट्रेट ले लें, लेड नाइट्रेट जिसकी कलरलेस सॉल्यूशन होती है, हमने इसकी एक्वस सॉल्यूशन ली और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड की एक्वस सॉल्यूशन के साथ, ये भी कैसी है, ये भी कलरलेस है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट जो कि कलर में येलो होगा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और साथ में बनेगी पोटेशियम नाइट्रेट की एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसे, नाइट्रेट दो टू लगा दिया, पोटेशियम दो टू लगा दिया, आयोडीन दो है ठीक है, लेड वन है ठीक है, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या क्या लिया, यहाँ पर आपने ली लेड नाइट्रेट की एक्वस सोल्यूशन और उसको रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड की एक्वस सोल्यूशन के साथ। दोनों ही कैसी थी, कलरलेस, लेकिन जब ये रिएक्ट हुई तो इन्होंने बनाया येलो प्रेसिपिटेट, किसका, लेड आयोडाइड का। लेड आयोडाइड नाम का नया कंपाउंड बना जो कि येलो इनसोल्यूबल है, तो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ बनी पोटेशियम नाइट्रेट की एक्वस सोल्यूशन। तो इस रिएक्शन में भी क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इसलिए ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में डिफरेंस क्या क्या हमें दिखाई दिया, क्या डिफरेंस हमें दिखाई दिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक कंपाउंड है कोई और उसे हम रिएक्ट करा रहे हैं एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और एक नया कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा और ये एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं इसमें एक तो एलिमेंट होगा और एक तो होगा कंपाउंड। ये क्या है, एक कंपाउंड जो कि रिएक्ट कर रहा है एक एलिमेंट के साथ में। और जब ये अगर ये एलिमेंट इस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको अपनी जगह से हटा देगा। तो ए बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की जगह सी ले लेगा, सी बी प्लस ए ऐसा कुछ मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा क्या हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज, यानी यहाँ पर दो आयोनिक कंपाउंड्स हमारे रिएक्टेंट हैं, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आयन्स के बने हुए हैं। और जब हम इन्हें रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेंगे, आयन्स को एक्सचेंज कर देंगे। तो ए बी की जगह बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ में, डी के साथ में, और सी डी की जगह बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ में, बी के साथ में। तो दो नए कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है। और यहाँ जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड्स और वो भी कैसे कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें एक होगा कंपाउंड और एक होगा एलिमेंट, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हैं जिसमें हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे एल्यूमिनियम को आपने जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखकर। इसमें जो एलिमेंट ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसने जिंक को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक हो गया अलग। लेकिन इसकी अपोजिट रिएक्शन अगर हम करेंगे, हम कहें कि एल्यूमिनियम सल्फेट हमने ले लिया और उसमें जिंक डाला, तो क्योंकि जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, नीचे दिख रहा है हमें रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ये रिएक्टेंट्स आप ये लेते एल्यूमिनियम सल्फेट और उसमें जिंक डालते तो कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में अगर आप कॉपर डालोगे तो क्योंकि कॉपर मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है तो वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद हमने बात की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का आयरन के साथ में रिएक्शन। अगर आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या आपको दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली एक्वस जिसका कलर होता है ब्लू और उसमें आयरन नेल डाल दी जिसका कलर होता है ग्रे। कुछ टाइम तक इसको रहने दिया, रखे रहने दिया। तो हमने क्या देखा कि ये जो ब्लू सॉल्यूशन थी ये चेंज हो गई लाइट ग्रीन कलर की सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह अब यहाँ बन गया है आयरन सल्फेट और इस ग्रे नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई जो कि कॉपर मेटल की कोटिंग है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन की नेल डाली तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है उसने कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और बन गया लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। और ये जो डिस्प्लेस्ड कॉपर था ब्राउन कलर का, ये आयरन नेल पर जाकर डिपोजिट हो गया।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की फिर हमने बात की। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें दो आयनिक कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ए बी की जगह अब डी के साथ में ज्वाइन हो जाएगा और ए सी डी की जगह अब बी के साथ में ज्वाइन हो जाएगा। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को अगर रिएक्ट कराया तो बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पर हो गया। दो कंपाउंड्स हैं जो आपस में यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, और कैसे कंपाउंड्स हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयंस के बने हुए कंपाउंड्स हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहे थे ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं। और स्लेग लाइम में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या बनेगा? एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको डिफरेंसेस अब समझ आ ही गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब बात करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। कौन कौन सी वो है? एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। साथ में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन हमें एवरीडे लाइफ में कहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आएगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो क्या है? ऑक्सीडेशन के ही, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही हैं जो हमें अपनी एवरीडे लाइफ में होती हुई दिखाई देती हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।